हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? मैं रितेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी फिजिक्स में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारा जो क्लास सिक्स का चैप्टर चला हुआ है प्लेइंग विद नंबर्स, उसका एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक कॉमन फैक्टर्स, कॉमन मल्टीपल्स, HCF, LCM एंड प्राइम फैक्टराइजेशन। इससे पहले हमने पढ़ा था डिविजिबिलिटी टेस्ट, आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे कॉमन फैक्टर। अपने चैप्टर का क्या नाम है? प्लेइंग विद नंबर्स। डिविजिबिलिटी टेस्ट हम कर चुके थे भाजकता के नियम, आज पढ़ेंगे हम कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स, कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन फैक्टर क्या होते हैं और कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं। फैक्टराइजेशन आपने पढ़ा है, कैसे हम फैक्टराइजेशन करते हैं। कोई भी नंबर दे दिया आपको, मान लो 8 है, तो 8 के फैक्टर कैसे लिखते हैं हम? 1 × 8, 2 × 4, 4 × 2, 8 × 1, कैसे लिखेंगे हम? सभी संख्याओं को रिपीट नहीं करेंगे, एक बार लिखेंगे 1, 2, 4, 8। ये क्या है 8 के? ये फैक्टर है 8 के। अगर आपको ये भी नहीं पता तो आप इसका पहले वाला जो वीडियो है वो देख लीजिए, लिंक उसका आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। तो ये होते हैं फैक्टर। आज हम बात करेंगे कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर क्या होते हैं। तो कॉमन फैक्टर की बात करेंगे आज हम। आपके पास मान लो 3 नंबर है, ये 18, 12 एंड 14। तो आपसे पूछेगा व्हाट इज द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18, 12 एंड 14, इन तीनों के कॉमन फैक्टर क्या हो गए। तो आप पहले तो फैक्टराइजेशन करेंगे, 18 का फैक्टराइजेशन करो आप 1 × 18, 2 × 9, 3 × 6, ये क्या हो गए 18 के फैक्टर हो गए 1, 2, 3, 9, 6 एंड 9, 18, ये क्या हो गए 18 के फैक्टर होंगे। अब 12 के फैक्टर ले लो आप, 12 के फैक्टर क्या होंगे 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4, 4 × 3, यही हो गए 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12, ये होंगे 12 के फैक्टर। अब 14 की बात आती है, 14 के फैक्टर क्या हो गए, 14 का फैक्टराइजेशन 1 × 14, 2 × 7, 2 × 7 में 14 होता है, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा भी, फिर 7 × 2, ये होगा एंड 14 × 1। तो 14 के फैक्टर कौन से होंगे 1, 2, 7, 14। अब ये तीनों के फैक्टर है। अब बोलेगा ये कि कॉमन फैक्टर कौन कौन से है। 1 आपको सभी में दिख रहा होगा,
वन सभी का कॉमन फैक्टर है। अब टू, टू भी सभी में है, टू भी सभी का कॉमन फैक्टर है। थ्री, थ्री फोर्टीन वाले में नहीं है भाई, वो दोनों में है। और सेवन, सेवन इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है फोर्टीन। तो एटीन, ट्वेल्व और फोर्टीन के कॉमन फैक्टर क्या हो गए, वन इंटू टू, वन और टू, ये दोनों क्या हो गए, इन तीनों संख्याओं के कॉमन फैक्टर हो गए। ये होते हैं कॉमन फैक्टराइजेशन। कोई भी संख्या लो आप, उसका फैक्टराइजेशन करो, उसके फैक्टर्स को लिखो और उनके फैक्टर्स में देखो कौन कौन से कॉमन फैक्टर हैं, मतलब कौन कौन से तीनों में हैं। जो तीनों में डिजिट्स है या संख्याएं हैं, वही संख्याएं क्या होगी, कॉमन फैक्टर होगी उन संख्याओं के। ये तो था कॉमन फैक्टर। अब बात करेंगे कॉमन मल्टीपल्स की। कॉमन मल्टीपल्स क्या होंगे, कोई भी दो तीन डिजिट्स दी मिलेंगी हमें या संख्याएं दी मिलेंगी और ये पूछेगा भाई उसके कॉमन फैक्टर क्या है उनके। हमारे पास है थ्री, फाइव और सेवन, और अब पूछेगा ये कॉमन मल्टीपल्स बताओ तीनों के। मल्टीपल आपको पता है कैसे लिखते हैं हम, थ्री, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री फोर जा ट्वेल्व, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, एटीन, ट्वेंटी वन, ऐसे ही चलते रहेंगे मल्टीपल्स। और मल्टीपल्स कहाँ तक जाते हैं भाई, इन्फिनिटी तक जाते हैं। अब फाइव के मल्टीपल क्या हो गए, फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव थर्टी, ये सभी हो गए फाइव के मल्टीपल्स। अब सेवन, सेवन फोर्टीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी एट थर्टी फाइव, ये किसके हो गए, सेवन के हो गए फोर्टी टू, और ये चलते जाएंगे भाई। अब ये बोल देगा भाई इनके फर्स्ट फाइव मल्टीपल बताओ या फर्स्ट टू मल्टीपल्स बताओ या कोई कॉमन मल्टीपल बताओ इनके बीच में। तो हम चेक करेंगे भाई कॉमन मल्टीपल क्या है। फिफ्टीन देखो भाई, फिफ्टीन इसमें है, इसमें भी है। ट्वेंटी वन देखो भाई, ट्वेंटी वन इसमें है, इसमें है। अभी तो इनका कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है, क्योंकि अगर 15 इसमें है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है। 21 इसमें है, इसमें नहीं है, और इसमें है। तो आगे करते हम थ्री के, 24 27 30 33 36 थर्टी नाइन फोर्टी टू, ऐसे चलते रहेंगे भाई इनके। अब देखो कोई कॉमन फैक्टर है या नहीं। थर्टी है, थर्टी है, इसमें नहीं है थर्टी। फोर्टी टू है, फोर्टी टू है, इसमें नहीं फोर्टी टू। इनका कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है, लेकिन अगर पूछ लिया जाए थ्री और फाइव के कॉमन मल्टीपल बताओ, तो थ्री और फाइव में कौन कौन से मल्टीपल कॉमन है। थ्री सिक्स नाइन नहीं इसमें, ट्वेल्व भी नहीं है, फिफ्टीन, फिफ्टीन दोनों में कॉमन है। फिर बात आएगी एटीन की, एटीन नहीं है इसमें। 21 की नहीं है, 24 की नहीं है। आगे हम मल्टीपल लिख लेंगे 5 के, 35, 40, 45, 50। अब देखो
तो इनमें कौन सा कॉमन मल्टीपल है अभी तक 15। ऐसे ही अगर हम इन्फिनिटी तक जाएंगे तो बहुत सारे कॉमन मल्टीपल मिल जाएंगे इन दोनों के, तो यही होते हैं कॉमन मल्टीपल्स। अब कोई और डिजिट्स ले लो आप, 9 और 3, आपके पास दो संख्याएं हैं। पूछा जाए भाई इनके पहले 5 मल्टीपल बताओ, तो आप कैसे बताओगे? 9 के मल्टीपल लिख लो, 9, 18, 27, 36, 45। ये 9 के मल्टीपल लिख दिए हमने, 3, 6 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 और ऐसे ही चलते जाएंगे। अब इनके मल्टीपल देखो क्या क्या कॉमन है इनमें, 9 इसमें भी है और इसमें भी, ये कॉमन मल्टीपल है दोनों का। अब देखो 12 है, नहीं है, 18 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 18 भी दोनों का कॉमन मल्टीपल है। अब 27 इसमें भी है और इसमें भी है, 27 भी इन दोनों का कॉमन मल्टीपल है। 30 नहीं है, आगे लिख लो 3 के मल्टीपल आप, 33, 36, आगे क्या हो गए, 39, 42, 45, 48, 51, ऐसे ही चलते रहेंगे इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो आगे देखो 36 इसमें भी है और इसमें भी है, ये भी कॉमन मल्टीपल है। 45 इसमें भी है और इसमें भी है, ये भी कॉमन मल्टीपल है। अब आगे क्या आएगा इनको कॉमन मल्टीपल, 51 के बाद 54 इसमें भी और इसमें भी। आपको ऐसे ही संख्याएं दी मिलेंगी और पूछा जाएगा भाई इस संख्याओं के, इन दोनों के फाइंड दीज नंबर्स कॉमन मल्टीपल, फाइंड द कॉमन मल्टीपल ऑफ दीज नंबर्स, इन दोनों नंबर्स के या इन तीनों नंबर्स के कॉमन मल्टीपल बताओ। ऐसे ही पूछ लेगा ये, पहले 5 बताओ, पहले 10 कॉमन मल्टीपल बताओ, ऐसे ही पूछेगा। तो अब अगर पूछ लिया जाए फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 9 और 3, 9 और 3 के पहले 5 मल्टीपल बताओ, तो पहले 5 मल्टीपल कौन से हो गए कॉमन, 9, 18, 27, 36, 45, ये फर्स्ट 5 कॉमन मल्टीपल है इन दोनों के, 9, 18, 27, 36, 45, फर्स्ट 5 कॉमन मल्टीपल। अब आगे कितने भी पूछ ले आप बता सकते हो, क्योंकि मल्टीपल्स होते हैं वो इन्फिनिटी तक जाते हैं। अब बात करेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन की। प्राइम नंबर्स आपने पढ़े हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, अभाज्य संख्याएं, और प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, किसी भी संख्या को अभाज्य टुकड़ों में तोड़ना, प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करना होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, आपके पास कोई नंबर है 36, अब बोलेगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो आप कैसे करोगे, 36 को कैसे लिखोगे, 2 into 18, 9 into 4, ऐसे भी लिखोगे आप, 3 into 12, 4 into 9, 6 into 6,
2 18 36, 3 12, 3 into 12, 12 3 36, 4 9 36, 6 6 36, 9 4 36, वही बात है। अब आप प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करोगे इसका? जो ये नंबर है आए हमारे पास 2 18 को कैसे लिख सकते हैं 3 into 6, तो 6 को फिर प्राइम टुकड़ों में तोड़ दो 2 into 3, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा 2 into 3 into 2 into 3, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36। जो हमारे पास फैक्टर आए हैं लास्ट में, टुकड़े आए हैं, वो क्या आए हैं प्राइम फैक्टर, और इसी को क्या बोलते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन। अब कोई भी और डिजिट्स उठा लो आप, 3 into 12, 3 पहले ही प्राइम है, 12 को तोड़ दो प्राइम टुकड़ों में, तो 3 4 जा लिख सकते हैं हम 12, वो 3 फिर भी प्राइम है। अब 4 को फिर प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो 4 का, 2 into 2, और 2 2 जा 4, तो प्राइम फैक्टर क्या आ जाएंगे 3 into 3 into 2 into 2, ये क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं हम, किसी भी संख्या को अभाज्य संख्याओं के टुकड़ों में तोड़ना प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। ये था प्राइम फैक्टराइजेशन। अब बात करेंगे हम HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक की बात करेंगे अब हम। LCM को बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक और HCF को बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और क्या बोलते हैं इसको LCM, और किसकी बात करेंगे HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले LCM की बात करेंगे, इसमें भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अगर आपको कोई भी संख्याएं दी गई हो 36, 12 एंड 9, बोले इनका LCM फाइंड करो, तो कैसे करोगे आप? तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, और प्राइम फैक्टराइजेशन हम ऐसे भी करते हैं, 36 लिख लिया हमने, 2 पे गया, 2 18 जा 36, फिर 2 पे गया, 2 9 जा 13 6, फिर 3 पे जाएगा, 3 3 जा 9, और फिर 3 पे जाएगा 1। ये क्या आ गए 36 के प्राइम फैक्टर आ गए। अब 12 का कर लो ऐसे ही, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ये 12 के प्राइम फैक्टर आ गए, ये 36 के आ गए। अब हमारे पास 9 के और लेने हमें, 3 पे जाएगा, 3 3 जा 9, तो 3 1 जा 3, ये 9 के प्राइम फैक्टर आ गए। अब क्या निकालना हमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा आप देखिए, 36 लिख लो आप, 12 लिख लो और 9, 36 के आगे 36 के फैक्टर लिख लो, 2 into 2 into 3 into 3, फिर 12 के लिख लो, 2 into 2 into 3, और फिर 9 के लिख लो, 3 into 3। तो LCM क्या आएगा इन तीनों का, इन तीनों का LCM आएगा 2 कितनी बार रिपीट हो रहा 36 में, 2
टू टाइम्स, 12 में भी टू टाइम्स, लेकिन 9 में नहीं हो रहा। 2 को 2 टाइम्स लिख लो। 3 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा, ज़्यादा से ज़्यादा कितने टाइम्स हो रहा, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, तो 3 को भी 2 टाइम्स लिख लो। ये क्या आ जाएगा हमारा LCM, 2 टू जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, तो 36 क्या आ गया हमारा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इन तीनों का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। आप वैसे भी देख सकते हैं लोवेस्ट कॉमन सबसे छोटा मल्टीपल क्या है, इनके मल्टीपल लिख लो, 36 के लिख लो 36, 72, 12 के लिख लो 12, 24, 36, फिर 9 के लिख लो मल्टीपल 9, 18, 27, 36। तो इनमें जो सबसे छोटा मल्टीपल है कॉमन वो कौन सा है, वो है बेटा 36। क्या है बच्चों 36, इन सब का कॉमन मल्टीपल क्या आ गया 36। ऐसे ही किसी और नंबर का अगर हम बोला जाए, हमें 2 या 3 नंबर दिए जाए और बोला जाए इन तीनों का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, तो हम क्या करेंगे उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे सभी का, उनके फैक्टर्स लिख लेंगे और जो फैक्टर कॉमन है वो तो लिखने हैं, लेकिन जो ज़्यादा बार रिपीट है नंबर वो नंबर उतनी बार लिखना है। अब यहाँ पे 2, इसमें भी 2 टाइम रिपीट है, इसमें नहीं है, तो 2 2 टाइम्स लिख लेंगे। अगर इसमें 3 टाइम्स होता 2, तो 2 को क्या लिखते हम यहाँ पे 3 टाइम्स, 2 2 टाइम्स लिख लिया। अब 3 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा दोनों तीनों में, इसमें 2 टाइम्स है, इसमें 1 टाइम, इसमें 2 टाइम है, तो 3 को कितने लिखेंगे 2 टाइम्स लिख लेंगे। और उन सभी की मल्टीप्लाई करवाने पर हमारे पास क्या आएगा LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम, जो नंबर है 12, 36 और 9, उनको आप कैसे लिख लो 36, 12 और 9, इन तीनों का क्या कर लो प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले 2 पे जाएगा, 2 18 जा 36, 2 6 जा 12, 9 ऐसे ही रहने दो। अब फिर 2 पे जाएगा, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 और 9 ऐसे ही। अब जाएगा 3 पे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 3 पे जाएगा, 3 1 जा 3, 1 3 1 जा 3। हमारे पास ये क्या आ गए, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल आ गए, आ गया ये, और ये क्या आ गए लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इन सभी की मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, तो 36 क्या आ गया इन तीनों का LCM आ गया, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल आ गया। अब बात करते हैं हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, और LCM को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लघुत्तम समापवर्तक। अब HCF निकालेंगे किन्हीं भी 2 या 3 संख्याओं का, आप यही ले लो 36, 12 और 9। अब आपसे पूछा जाए इन तीनों का HCF क्या होगा, फाइंड द HCF ऑफ दीज नंबर्स, इन नंबर का HCF क्या होगा, तो आप 36 लिखो, 36 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो आप, 2 पे जाएगा कितने पे 18 पे, 18 टू जा 36, फिर 2 पे जाएगा 9 पे, 9 टू जा 18, फिर 2 पे जाएगा, नहीं जाएगा भाई क्योंकि 2 पे क्या 8 पे जाएगा तो पूरा नहीं जा रहा, तो 3 पे जाएगा भाई, 3 3 जा 9, फिर 3 पे जाएगा 3 1 जा 3
और यहाँ पे वन आते ही हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन रोक देंगे हम आगे। जो फैक्टर्स आए हैं क्या आए हैं वो टू टू थ्री और थ्री, ये 36 के प्राइम फैक्टर्स आ गए। इनको मल्टीप्लाई करवाने पर क्या आएगा 36। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम 12 का, टू पे जाएगा 6, फिर टू पे 3, फिर 3 पे 1। और ये तो 36 के फैक्टर थे, यहाँ पे 12 के फैक्टर लिख लेंगे हम। 12 के फैक्टर क्या हो गए, 2 इंटू 3। अब 9 का कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, 3 पे जाएगा, 3 जा 9, 3 1 जा 3, यहाँ पे 9 के फैक्टर लिख लेते हैं हम 3 इंटू 3। 1 लिखो या ना लिखो अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये कर लिया हमने इनका प्राइम फैक्टराइजेशन, और पूछा क्या इसने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इन तीनों का। तो आप देखो तीनों में क्या कॉमन है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें है, नहीं है, तो 2 को नहीं लिखेंगे हम। अब 3 की बात करते हैं, 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, 3 तीनों में है, लेकिन 12 वाले फैक्टर्स में 1 टाइम है, तो 1 टाइम लेंगे 3। तो HCF क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा तीनों का, 3। 3 क्या होगा तीनों का HCF। जो फैक्टर कॉमन है और जो जितनी बार रिपीट हो रहा है, मान लो यहाँ पे 3 एक टाइम और होता तो क्या लिखते हम 3 इंटू 3, तो HCF क्या आता हमारा 9। लेकिन 3 यहाँ पे 1 टाइम रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 2 टाइम है, यहाँ भी 2 टाइम है, हम HCF में वही डिजिट लिखेंगे जो तीनों में, तीनों के फैक्टर्स में सेम टाइम्स रिपीट हो रही है। 3 1 टाइम यहाँ ले लेंगे, 1 टाइम यहाँ, 1 टाइम यहाँ, तो 3 ले लेंगे, और कोई फैक्टर नहीं है, 1 सभी का फैक्टर होता है, 1 1 1। तो आप लिख सकते हैं 3 इंटू 1, तो 3 क्या आ जाएगा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया, कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल्स, प्राइम फैक्टराइजेशन, LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके साथ ही जो हमारा चैप्टर है प्लेइंग विद नंबर्स, ये कंप्लीट होता है। इससे अगली वीडियोज में हम करेंगे एक्सरसाइजेज के क्वेश्चंस। अगर आपको कहीं पे कुछ समझ में ना आया हो तो आप नीचे कमेंट कीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो आज का लेक्चर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स ए लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।